गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आज जुड़े होने वाला हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर आप आ! आप लोग को देख सकते हैं गैस यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक मैग्नेस करके है मैग्नेस का ब्रांड है और यहाँ पे देख सकते हैं गैस यहाँ पे मैग्नेस ई एक्स करके दिया हुआ है और ये एक्चुअली एम्पियर का कंपनी है एम्पियर करके यहाँ पे गैस देख सकते हैं एम्पियर करके लिखा है और यहाँ पे ऊपर दिख दिखा सक दिख सकते हैं मैगनीस करके है और इसका एक ओवरऑल लुक देखेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखेगा आगे से आगे से कुछ इस तरीके दिखेगा यहाँ पे देख सकते हैं गैस एक क्रोम क्रोम दिया हुआ है हेडलाइट के ऊपर और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं एलईडी हेडलाइट दी हुई है और नीचे की तरफ देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर की लैंप दी हुई है और यहाँ पर कुछ डी आर एल दिए हुए है आप लोगों को एक बार चावी ऑन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं गैस यहाँ पे इनका चाबी दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे डिस्प्ले कुछ इस तरह से नज़र आए शायद आप लोगों को धूप में दिख रही या नहीं पता नहीं मेरे को यहाँ पे देख सकते हैं गाइस देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखता है डिस्प्ले यहाँ पे अभी देख सकते हैं जीरो पे है और हमारा यहाँ पे नीचे दिखा हुआ है बैटरी का चार्जिंग फुल चार्जिंग है इसमें देख सकते हैं गैस यहाँ पे एल करके लिखा है और यहाँ पे एच करके लिखा है एल का मतलब है लो और एच का मतलब है हाई आ, और अभी ये यह, यहाँ पे देख सकते हैं गैस एक आ, मोड दिया हुआ है ये टू पे है अभी इसको यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सलेटर में यहाँ पे लो और हाई करके दिया हुआ है और हम लोग अभी इसको आ, लो में करने वाले हैं यहाँ पे देख सकते हैं इस यहाँ पे एक नंबर आ गया और इधर देख सकते हैं इसे यहाँ पे चेंज होता है जब हम इसमें मोड चेंज करेंगे देख सकते हैं इसे यहाँ पे टू हो गया कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ पे डिस्प्ले में और यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज भी दिखा रहा है सिक्सटी फोर पॉइंट टू थ्री कुछ ऐसा आ रहा है क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा दूर तक चला के लेके आए हैं है एक दस किलोमीटर और यहाँ पे देख सकते हैं ओडी ओडी वो करके इसका पूरा मेट्रो कौंसल पे यहाँ पे है और यहाँ पे नीचे एक स्टार्टिंग का बटन दिया हुआ है जब हम चावी को ऑन करेंगे जब हम चावी को ऑन करेंगे तभी चावी का मतलब कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं गैस यहाँ पे एक स्विच है हमारे पेट्रोल की गाड़ी में सेल्फ स्विच कैसा आता था ऐसा ही यहाँ पर देख सकतेगा इस यहाँ पर एक स्विच दिया है इसको ऑन करूँगा तभी यहाँ पर एक इंडिकेशन आएगा ग्रीन लाइट ऑन होगी इधर ही दिखाऊँ भाई यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंडिकेशन आ रहा है देखिए ग्रीन लाइट जल रहा है शायद आप लोगों को कैमरे में दिख रहा है या नहीं पता नहीं इसको और एक बार ऑफ़ कर देता हूँ देख सकते हैं गैस यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ हो गया और ऑन करूँगा और सेल्फ का बटन दबाऊँगा ये ग्रीन लाइट जलेगी यहाँ पे देख सकते ग्रीन लाइट जल रही है मतलब अभी गाड़ी चालू है और अभी एक्सेट हम लोग देंगे तो गाड़ी मूव हो जाएगी और कुछ इस तरह से है इसमें और गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बूट पेस्ट दिया हुआ है छोटा सा यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल वगैरह वॉलेट वगैरह कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो एक को ब्रांडिंग दिया हुआ है बैटरी मेंटेनेंस पूरा इसमें दिया हुआ है एम्पेयर करके भी दिया हुआ है बाय ग्रेविस कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं गैस नीचे देखेंगे तो एक चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है यहाँ से आप लोग चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं गैस चार्जिंग पॉइंट है, है। यहाँ पे आप लोग गाड़ी को चार्ज करके अपने घर में चार्ज कर सकते हैं और गैस आप लोग को एक बाइक आप लोग ले सकते हैं आप लोगों को लेने के लिए कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसका प्राइस है गैस वो प्राइस मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा और प्राइस का और कैसा इसको बाई करना है करके और आप लोग एक बार गाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं गैस इलेक्ट्रिक का ब्रांडिंग दी हुई है यहाँ पे और ऊपर की दे ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे एक एम्पेयर का भी ब्रांडिंग दिया हुआ है और यहाँ पर देखेंगे तो ये गार्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है इसमें और और इधर देखेंगे तो यहाँ पे हैंडल हैंडल ग्रिप ग्रिप हैंडल दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग नीचे प्लेन प्लेन राइडर कुछ बैठेंगे तो तो अभी इसको ग्रैब हैंडल को पकड़ सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हुक दिया हुआ है आप लोग बैग वगैरह कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं और इधर देखेंगे तो फुट रेस्ट दिया हुआ है आप लोगों के लिए आप लोग आसानी से इसमें राइड कर सकते हैं और पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग इंडिकेटर दिया हुआ है ये रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे नीचे नि, की तरफ देखेंगे तो मतलब पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेक लाइट दी हुई है और यहाँ पे साइड में इंडिकेटर दिया हुआ है यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ पे देख सकते हैं और इधर देखेंगे तो इधर एक ग्रैब हैंडल है और यहाँ पे लेडीज़ फूटरेस्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं गैस कुछ इस तरीके से सेम जैसे कि एक्टिवा होंडा में आता है और डिओ वगैरह उसमें आता है वैसे उसी तरह से यहाँ पे दी हुई है और इस तरफ से एक फुटरेस दिया हुआ है दोनों तरफ और बैटरी कंपाउंड में देखेंगे तो इसमें सॉरी बूट फेस देखेंगे तो बूट फेस कुछ इस तरह से दिखता है गाइस बूट फेस देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कुछ हमारा गूगल्स वगैरह कुछ भी थोड़ा सामान यहाँ पे है और यहाँ पे देखेंगे तो गाइस यहाँ पे देखेंगे तो गाइस यहाँ पे एक एम भी दी हुई है इसको ऑन ऑफ़ करने के लिए इससे ऑन अभी ये चालू है ऑन है इसको ऑफ कर देंगे तो पूरा बैटरी का पूरा सप्लाई ऑफ हो जाएगी और इसको ऑफ़ करके आप लोग बैटरी भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे नीचे बैटरी का कंपाउंड दिया हुआ है वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ गैस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी का कंपोनेंट दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं एम्पेयर करके लिखा है और यहाँ पे कुछ वारंटी अवॉइड कुछ दिखा हुआ लिख के दिखा हुआ है देख सकते हैं गैस डो नॉट रिमूव द क्लैम्प देन बैटरी इन यूज तीनों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी का बैटरी कुछ इस तरह से दिखती है इसको रिमूव करके आप लोग अपने घर 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 के अंदर जाके भी इसको चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइंट दिया हुआ है और यहाँ पे एक बैटरी का कनेक्टर भी है इस कनेक्टर को आप लोग रिमूव करके आप लोग बैटरी को रिमूव कर सकते हैं इजीली रिमूव करना इजी है और इसको अभी बंद कर देते हैं है। हम बंद करने के लिए यहाँ पर एक लॉक दिया हुआ है और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बूट लाइट है यहाँ पे बूट लाइट भी दिया हुआ है इसमें गाड़ी के अंदर जब भी रात में आप लोगों को बहुत ही काम आया का, काम आया, आ जाता है इसको और इसको ऑन करने के लिए ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं गैस ये सीट जब क्लो, क्लोज करेंगे तब ये ऑफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं गाइस और हम फिलहाल अभी हम इस सीट को क्लोज कर लेते हैं गाइस आप लोग को ये गाड़ी लेना चाहते हो तो आप लोग उसको गाड़ी को बाय कर सकते हैं इसका प्राइस है गाइस से नाइन्टी थाउजेंड पहले कुछ इसमें एटी एटी फाइव में आ जाता था ये गाड़ी अभी इसका प्राइस बढ़ गया है और इसका रेंज भी थोड़ा बड़ा नहीं है रेंज उतना ही है पहले ये गाड़ी लो मोड में ट्वेंटी फाइव स्पीड ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर स्पीड पकड़ लेती थी लो मोड में और हाई मोड में फिफ्टी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाती है और आप लोग को गाड़ी को बाई करना रहेगा तो आप लोग बाई कर सकते हैं और इसका मोटर का मोटर का कैपेसिटी है थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी फाइव और इसका एम्पियर है थर्टी एट है इसका एम्पियर और इसका वोल्ट है सिक्सटी एट सिक्सटी एट वोल्ट है इसमें और इसको आप लोग को, गाड़ी को बाई करना रहेगा तो बाई कर सकते हैं और कुछ दिक्कत नहीं है अच्छी ही है गाड़ी इस गाड़ी को हमने लगभग एक साल तक चलाई है ये मेरे फ्रेंड की गाड़ी है और आप लोग के यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी अभी तक ये गाड़ी चल रही है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक अच्छी गाड़ी अच्छी ही चली है और हम लोगों ने इसको पूरा के पूरे बैटरी ड्रेन होते तक उसको गाड़ी गाड़ी को चलाए हुए है इस गाड़ी को हमने 90 किलोमीटर तक चलाई हुई है कोई दिक्कत नहीं है हमने इसको देखने के लिए इसको चलाया है नाइन्टी किलोमीटर तक नाइन्टी किलोमीटर तक गाड़ी चल चुकी थी पूरा ड्रेन होते तक हमने इसको चलाई हुई है बैटरी को और फिर इसको और एक बार चार्ज किया है और और एक बार फुल चार्ज करके और एक बार 90 किलोमीटर तक चलाई हुई है कोई दिक्कत नहीं है 90 किलोमीटर तक आराम से गाड़ी चल जाती है 90 किलोमीटर के ऊपर तक नहीं जाती क्योंकि और भी ऊपर चलाने के लिए इसमें चार्ज पूरा रहता नहीं है पूरा ख़त्म हो जाती है और गाड़ी को आप लोग लोकल में चलाएंगे तो आप लोग लोकल में आराम से चला सकते हैं लोकल कहीं भी एक थर्टी किलोमीटर अराउंड आप लोग चला सकते हैं गाड़ी को आराम से और हंड्रेड किलोमीटर से ऊपर आप लोग इसको ले लेके ले नहीं जा सकते लेके जा सकते हैं फिर इसको बैटरी को दूसरा बैटरी इंस्टॉल करना पड़ेगा नहीं तो कहाँ पर भी इसको चार्ज करके और दूर और तक आप लोगों को चलना है तो और दूर तक आप लोग चल सकते हैं आप लोग देख सकते हैं एक साल का एक साल का रिव्यू है गाड़ी को एक साल चलाने के बाद गाड़ी को रिव्यू कर रहा हूँ मैं गैस आप लोग देख सकते हैं गाड़ी को गाड़ी को कुछ इस तरह से दिखती है देख सकते हैं गैस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है गैस गाड़। आप लोग देख सकते हैं इसको यहाँ पर देख सकते हैं यह ये मोटर यहाँ पर है और इसमें लिथियम आई बैटरी है और ये हब मोटर है गैस हब मोटर है वाटरप्रूफ हब मोटर है कुछ इस तरह से दिखता है गैस आप लोगों को देख सकते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक एयर डालने के लिए नॉब दिया हुआ है यहाँ पे इस यहाँ से आप लोग एयर डाल सकते हैं और थोड़ी हमारी गाड़ी मिट्टी में चल चुकी थी इधर ही मिट्टी में चल चुकी थी गैस यहाँ पे थोड़ा मिट्टी है और इसलिए इसको थोड़ा गंदगी लगी हुई है टायर में देख सकते हैं गाइस और आप लोग देखेंगे तो गाड़ी कुछ इस तरीके से दिखता है देखने में एक बार आप लोगों को ओवरव्यू दिखा देता हूँ गाइस These white lies got me hypnotized. पे भी इसको चलाई हुई है और ये गाड़ी लगभग हमें फिफ्टी के स्पीड में चलती है और डबल सीट में आप लोग को फोर्टी एट कुछ फोर्टी एट फोर्टी फाइव तक चलती है गाड़ी और लो स्पीड में इसको ट्वेंटी फाइव है लो स्पीड इसका और ट्वेंटी फाइव में हम लोग को एक ट्वेंटी टू तक चला सकते हैं डबल डबल सीट लेके और इसको चलाना भी बहुत ही आसान है गाइस थोड़ा चलने में बहुत ही अच्छी है गाड़ी और आप लोगों को चाहिए तो इसको बाई कर सकते हैं गाइस कुछ गाड़ी का दिक्कत नहीं है अच्छी है गाड़ी तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर